हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने अभी हाल ही में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए पोस्ट अपडेट की हैं। आप कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, वहां पर आपको एग्ज़ाम नेम के साथ पोस्ट कोड भी मिल जाएगा। अगर आप उनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप व्हाट्सअप करिए मॉक पेपर लेने के लिए, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस लेने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 से 10 सालों के क्वेश्चंस पेपर भी आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, और साथ में आप कोर्स भी यहाँ पर अंडर एक्सपर्ट्स के अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स के अंडर। ठीक है, सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी। फ्रेंड्स, हमीरपुर बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, रैपिड फायर एमसीक्यू सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज रहेगी ये आपकी प्रीवियस बेस्ड एनालाइज रहेगी, और साथ में प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगी, ऑथेंटिक पैटर्न के साथ एमसीक्यूज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, मॉडिफाइड है, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, सिंपली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा, राज्य परिषद का दूसरा नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दूसरा नाम पूछा गया है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को और अपना आंसर सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा। दोस्तों, आप सभी को क्लियर है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर मैं वहीं पे बात करूं आपकी एडहॉक कमेटी का, ये क्या होता है एडहॉक कमेटी, आप सभी को क्लियर है दोस्तों कि भारत में 2 प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। एक आपकी होती है स्टैंडिंग, ठीक है, और एक आपकी होती है एडहॉक। ठीक है, अब देखिए दोनों ही समितियों की अलग अलग अपने काम है। स्टैंडिंग कमेटी की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों कंटिन्यूसली ये काम करती रहती है। ठीक है, यानी कि इसका जो गठन है ये एनुअली रूप से होता है, यानी कि वार्षिक रूप में इसका गठन होता है। ठीक है, कंटिन्यू वे में ये काम करती रहती है। इसके अंडर जितना भी फाइनेंशियल कमेटीज होगी, डिपार्टमेंटल कमेटी होगी, ठीक है, ये सारी इसके अंडर आएगी, स्टैंडिंग कमेटी के अंडर आएगी। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं एडहॉक कमेटी की, एडहॉक कमेटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, और एक और नाम रहता है अस्थाई समिति। ठीक है, तो एडहॉक कमेटी का काम क्या है फ्रेंड्स, विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका जो समिति है ये बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि एक बार अगर उद्देश्य पूरा हो गया तो ये जो कमेटी है ये बंद कर दी जाती है। ठीक है, इसमें जितनी भी प्रकार की जांच कमेटियां होती हैं, ठीक है, ये इसके अंडर आती हैं। ठीक है, और आपका इसमें सलाहकार समितियां हो गई, ठीक है, ये सारी एडहॉक कमेटीज में आती हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, और हमीरपुर बोर्ड का सारा कलेक्शंस लेने के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एचपीजीके का कंसाइज पूरा का पूरा और रिपीटेड क्वेश्चंस का, ये सारा चीज आप कहाँ पे ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, लोकसभा का दूसरा नाम क्या है। चलिए बताइए, लोकसभा का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, द राइट आंसर इज द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर आपने सोचा और बिल्कुल सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि रैपिड फायर का मतलब यही है कि आप कितने पानी में हैं, खुद को आप एक बार चेकआउट यहां पर करते रहे। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी है, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, ये आने चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 552। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए ध्यान से दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, इसका आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331। ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 81 और 331 आर्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, राज्यसभा की अधिकतम शक्ति यानी कि सदस्यों की संख्या यहां पर पूछी गई है, ये तो क्वेश्चंस किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आंसर है 250। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूं
कि हमीरपुर बोर्ड का जितना भी प्रीवियस कलेक्शंस रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट और प्रीवियस बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस पेपर भी आप ले सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा साइनेप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? वेरी इंपॉर्टेंट, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए, जाइलम प्लांट वेस्कुलर टिश्यू जो पानी और घुले हुए मिनरल्स को जड़ों से पौधे तक पहुंचाता है, ठीक है, इसलिए यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, रैपिड फायर जीके का मतलब ये है कि आप अपने आप को चेकआउट करें, ठीक है, क्योंकि जीके वास्ट है लेकिन पढ़ना कौन सा है, ऑथेंटिक पैटर्न क्या है, कहीं पे भी अगर आपको स्किप लगता है कि ये चीज अधूरी है, इसके बारे में मुझे पूछना चाहिए, तो सिंपली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी झारखंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां पर हमने लिया है। ठीक है, बाकी आपको सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, चलिए बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर गैंगटिक डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा है राष्ट्रीय जलीय पशु? ऑप्शन नंबर सी, गैंगटिक डॉल्फिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, गुप्त काल के बाद निम्नलिखित में से किस शहर ने अपना प्रमुख स्थान खो दिया? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं, टॉपिक देखिए कहां से है, टॉपिक है आपका गुप्त इरा से, तो यानी कि ये आपका हो गया हाईलाइटेड फैक्ट। ठीक है, यानी कि हमीरपुर बोर्ड क्या करेगा कि जितना भी गुप्त काल का क्वेश्चन है ये डालेगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का मॉडिफाइड जा चुका है और अदर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक है, अगर आपके पास ये सारे कलेक्शंस होगी एमसीक्यूज की, मॉक टेस्ट की और साथ में टेस्ट की और साथ में एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक की, जिसमें आपको बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, सिंपली आप व्हाट्सअप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि स्किप नहीं होता है फिर। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एन की पाटलिपुत्र। ठीक है, गुप्त काल के बाद निम्नलिखित में से किस शहर ने अपना प्रमुख स्थान खो दिया था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1875 आर्य समाज की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए INSC की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्टअप करनी है? 1857 से तो स्टार्ट करनी ही है, लेकिन इससे पीछे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमीरपुर बोर्ड है, ठीक है, ये शिमला बोर्ड नहीं है, ये हमीरपुर बोर्ड है, ये आपको पीछे लेकर जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको कंसेप्चुअल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहां से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1885। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का था? अब देखिए की फैक्ट का जो टॉपिक है वो देख लीजिए, मौर्य काल। ठीक है, क्वेश्चंस बनेगा, लेकिन क्या इस क्वेश्चन से काम चलेगा? नहीं। ये क्वेश्चंस आपको क्या बता रहा है? ये क्वेश्चंस आपको ये बता रहा है कि क्या आपका मौर्य काल बिल्कुल आपका रेडी हो चुका है या नहीं। नहीं हुआ है, नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सअप करिए। मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्षपान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिक्का था कर्षपान। किसके काल की बात हुई है? मौर्य काल के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, दुर्गानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से सोचिए, ऑप्शन सभी के सामने, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी हुसैन अली खान। देखिए, दुर्गानी राजवंश की जब भी हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना थी वो सिंपली आपको याद रखनी है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ज़्यादा आपको डीपली यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ये की फैक्ट का इम्पोर्टेंट की हाइलाइटेड क्वेश्चंस है ये, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। कौन सा मुगल शासक पढ़ने लिखने की कला से अभी मतलब नहीं जानता था, इसको नॉलेज नहीं था, ठीक है, अनभिज्ञ था, ठीक है। कौन सा मुगल शासक, अब देखिए मुगल मुगल काल भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके लिए आपको हुमायूं, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, इन सभी के बारे में अच्छे से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ आपके पास एमसीक्यूज का पूरा कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन नहीं छूटता है। क्या इतना सब होने के बाद आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अकबर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आता होगा, बंगाल गजट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फर्स्ट यहां पर बात हुई है इंडिया वॉज, ठीक है। चलिए, द राइट आंसर इज लॉर्ड विलियन वेंटिक, अगर आपने सोचा तो वेरी डन। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन सभी के पास है, डॉक्टर वाई एस परमार से हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जाम में, सिरमौर, अगर आपने सोचा तो वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल था? जितने भी पेंटिंग्स क्वेश्चंस हो गए, चित्रकलाएं और साथ में आपकी आर्ट एंड कल्चर, हिमाचल का पूरा जिसमें आपके ट्राइब से लेकर संस्कृति से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, ठीक है, मतलब आपको एशियन हिस्ट्री से लेकर, आपको ज्योग्राफी से लेकर, आपको फेमस पर्सनैलिटी से लेकर, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि HPG के डीप से डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है, ठीक है। चलिए बताइए, द राइट आंसर इज बशोली। वेल डन, आप सभी का आंसर सही हुआ है, ठीक है। मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? मंडी राज्य की स्थापना, ठीक है, 14वीं। तो चलिए कमेंट करके ये बता दीजिए कि किसने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन की शिमला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सबसे बड़ी कम हिमालयी श्रेणी है? दोस्तों जितने भी आप, अगर आप हिमालय उसको अच्छे से रीड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मैं आपके मतलब आपको पूरा का पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा हिमालय, ठीक है, इसमें कौन कौन सी मिड रीजन में कौन कौन सा है, लेसर में कौन कौन सा है, ठीक है, और अपर की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सा, और उसमें खेती कौन कौन सी होती है, उसकी भूमि कैसी कैसी है, मिड में कौन कौन सी इलाके आते हैं, उसमें कौन कौन सी खेती होती है, ठीक है, डाउन में कौन कौन सा है, ये थोड़ा सा नॉलेज लेकर चलना क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वीडियो हमने बनाई थी, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, ग्राफ के जरिए और मैप के जरिए मैंने आपको समझाया था उसमें, तो चेकआउट कर लेना उस लिंक को, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस चीज़ से, ठीक है। द राइट आंसर इज पीर पंजाल, ठीक है, सबसे बड़ी कम हिमालयी श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आता होगा, चंबा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी टेम्पल्स हैं इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाना, कहाँ पे है और किस राजा ने करवाए हैं, किसके अंडर है और इसकी विशेषता क्या है, ये थोड़ा सा रीड करके चलना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो बताना है आपने, ऑप्शंस आपके सामने स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं, जल्दी से सोच लीजिए। द राइट आंसर इज त्रिलोकपुर, अगर आपने सोचा और ठीक हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, धानवी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए, ऑप्शन सभी के सामने है। देखिए, जब भी हम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी नदी के ऊपर है, लेकिन कितनी मेगावाट की यहाँ पर है, इसकी क्षमता क्या है, और अगर कोई देश सहायता कर रहा है तो कितनी कर रहा है, और अगर कोई राज्य इसके साथ जुड़ा है तो वो कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन के शिमला। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का कंसाइज, बिल्कुल कंसाइज नोट्स लेने के लिए और एमसीक्यूज लेने के लिए और साथ में प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस और साथ में मॉक पेपर लेने के लिए, एचपी का पूरा जीके कोर्स लेने के लिए, जिसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, ये सभी को पता होने चाहिए जितने भी फेयर फेस्टिवल्स हिमाचल के रहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी अर्की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, प्रांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जितने भी पासेस हैं, किसको किससे जोड़ता है, कहाँ पे है, ठीक है, और कौन सी रेंजेस के ऊपर है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन की जांचकर। अब दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली आपने व्हाट्सअप करना है, आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली आप व्हाट्सअप कर लीजिए। टीम के प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने खुद सरकारी एग्जाम पास आउट भी किए हैं, ठीक है, और सरकारी पोस्ट पर भी हैं, ठीक है। 50% आपको पता है कि हमारी टीम सरकारी पोस्ट के ऊपर काम करती है, ठीक है, डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड है, तो उन सभी का गाइडलाइंस जब आप लेते हैं, ठीक है, तो नेचुरली सी बात है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, और आप जल्द से जल्द एग्जाम को क्रैक करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दो दो साल, एक एक साल लगाना है, अगर आप ऑथेंटिक पैटर्न के साथ रीड करते हो तो 1 महीने में भी स्टूडेंट्स एग्जाम निकालता है, ठीक है। फिर भी कोई भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, सिंपली आप व्हाट्सअप करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये रैपिड फायर जीके सीरीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, जो कि स्पेशल हमीरपुर बोर्ड के अंडर आपकी चल रही है। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।